हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल अनुज जिंदल डॉट इन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ब्लड रिलेशंस। तो ब्लड रिलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की वैकेंसीज निकली हैं, 926 वैकेंसीज निकाली हैं, काफ़ी अच्छा नंबर है। तो कमर कस के आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है क्योंकि ये एग्जाम इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे 5 वीक प्लान को रेगुलरली फॉलो करेंगे और हमारी प्रोवाइड की गई वीडियोज को देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, तो आई होप आपका इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने हमारी 5 वीक प्लान वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें। इसके अलावा हम जो रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हैं क्वांट एंड रीजनिंग की, उसको भी आप जरूर फॉलो करें, राइट। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है इसको हम करेंगे कैसे। तो इसको करने के लिए हम डायग्राम यूज करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हो जाते हैं। तो डायग्राम में हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, मतलब कुछ एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर मैं सर्कल या ओवल बना रहा हूं इस तरीके से तो उसका मतलब है कि वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। और स्क्वेयर है तो इसका मतलब वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कुछ आपको स्टैंडर्ड बनाने हैं। आप जो मैं बता रहा हूं वो स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं या अपने खुद के स्टैंडर्ड्स भी बना सकते हैं जिससे कि आपको इजी रहेगा। तो मेल के लिए होना चाहिए, फीमेल के लिए होना चाहिए, राइट। उसके अलावा अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो उनको हम कनेक्ट करते हैं डबल एरो से। तो हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनको डबल एरो से कनेक्ट करेंगे जिससे कि ये सिग्निफाई हो जाएगा। उसके अलावा फादर है या कोई ब्रदर है तो उसमें सिंगल एरो चलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये ग्रैंडफादर है, ये फिर उनके बेटे जो है हमारे फादर हो गए, तो ये ग्रैंडफादर किसमें आएंगे, स्क्वायर में आएंगे, ये ध्यान रखना है। जल्दबाजी में हम सर्कल में बना देते हैं, फादर है मेल है तो स्क्वायर में आएंगे, राइट, स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो अगर जनरेशन दिखानी है तो हम ऐसे एक के नीचे एक दिखाते हैं, इससे हम जनरेशन शो कर पाते हैं। तो ग्रैंडफादर, राइट, उसके नीचे हमारे फादर एंड देन सन, तो ये जनरेशन हमने शो कर दी। तो ये वर्टिकली हम जनरेशन शो कर रहे हैं, मतलब ये तीन लेवल्स पे है, ये तीन जनरेशन है। बट अगर हॉरिजॉन्टली शो कर रहे हैं तो वो सेम जनरेशन के हो गए। तो डबल एरो है तो हस्बैंड वाइफ, सिंगल एरो है तो वो ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, कजन हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से हम ये बेसिक नोटेशंस यूज करेंगे। तो देखिए यहां मैंने आपको ज्यादा नोटेशंस नहीं बताई हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर आप ज्यादा सिंबल्स बना लेंगे या ज्यादा शेप्स का यूज करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए सिंपल रखने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर यूज करा है, सर्कल या रेक्टेंगल बोल लीजिए, और एरोज में सिंगल एरो एंड डबल एरो, तो ज्यादा कंफ्यूज आप नहीं होंगे इसमें, राइट। तो अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन नेहा सेड, तो एक फोटोग्राफ है किसी आदमी की, उस फोटोग्राफ को देख के नेहा ने बोला ही हैज नो सिस्टर्स और डॉटर्स। अब देखिए आप इसको ऐसे करिए, सबसे पहले तो लिख लो मैन को, मैन है ठीक है, तो मेल है तो स्क्वायर में, राइट। अब ये जो मैन है इसकी ना सिस्टर है ना डॉटर है, चलिए ठीक है, बट हिज मदर, बट इनकी जो मदर है, इनकी जो मदर है, इनको मैं डिनोट कर देता हूं एम से, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो ये जो इनकी मदर है ये ओनली डॉटर है, किसकी ओनली डॉटर है, ऑफ माई मदर। तो यहां पे इसको लिख लीजिए माय मदर, इसको ऐसे लिख लीजिए, तो माय मदर, तो अब ये ओनली डॉटर है, यानी कि माय मदर यानी कि नेहा की बात कर रही है, कि नेहा कह रही है कि जो मेरी मदर है उनकी जो ओनली डॉटर है, मतलब उनकी एक ही डॉटर है। तो अगर उनकी एक ही डॉटर है तो ऑब्वियसली ये तो नेहा हुई ना, ये तो ऑब्वियसली नेहा की बात हो रही है। तो उनकी जो ओनली डॉटर है वो उनका बेटा है जो फोटो में है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका मतलब है जो मैन है वो नेहा का बेटा हुआ, नेहा का सन हुआ ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू नेहाज मदर। बट यहां पर रिलेशन नेहा और मैन का नहीं पूछा, रिलेशन पूछा है नेहाज मदर और उस मैन का। तो मैन कैसे रिलेटेड है नेहाज मदर से, तो आप खुद ही देख सकते हैं, मैन इज द ग्रैंडसन,
मैन इज द ग्रैंड सन ऑफ नेहाज मदर. रिलेशन पूछा है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड. अगर पूछा होता हाउ इज नेहाज मदर रिलेटेड तो ग्रैंड मदर हो जाता. तो ये ध्यान रखना आप कि आपको किसका रिलेशन किसके कंटेक्स्ट में पूछा गया है. यहां आपसे पूछा गया है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू मदर, तो इसलिए ग्रैंड सन ऑप्शन बी. अगर पूछा जाता हाउ इज नेहाज मदर रिलेटेड टू द मैन, देन आंसर होता ग्रैंड मदर, राइट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. तो आप देखो डायग्राम बना के क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है अगर आप इसको माइंड में करेंगे, तो वो भी एक ऑप्शन है. तो अगर आप कोई क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ऐसे डायग्राम बना लो, राइट, या आप क्या करो अपनी पर्सनल, अपनी जो खुद की पर्सनल फैमिली है आप उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करो. तो उसमें आप अपनी खुद की फैमिली को पिक्चर में ला सकते हो और उसके बाद आप उस चीज को एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा ये मेरे फादर हुए, ये उनकी सिस्टर हुई यानी कि मेरी बुआ, यानी कि इस तरीके से आप अपनी खुद की फैमिली को जो है अपने खुद के फैमिली ट्री को एनालाइज करके भी क्वेश्चन कर सकते हो. तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो, राइट, क्योंकि खुद का जो आप विजुलाइज करोगे उसमें भी आप मिस्टेक नहीं करोगे, वो भी अच्छा मेथड है करने के लिए. तो चाहे आप इस डायग्राम से करो चाहे पर्सनल विजुलाइजेशन करो, राइट. तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन टू ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन टू कह रहा है पॉइंटिंग टू अ बॉय पूर्णिमा सेज. अब एक बॉय की तरफ पॉइंट कर रही है पूर्णिमा, और पूर्णिमा क्या कह रही है, ही इज द ओनली सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माय ब्रदर. तो एक बॉय है, अब एक बॉय को डिनोट कर रहा हूं मैं, ये जो बॉय है ही इज द ओनली सन, ये अकेला लड़का है, किसका, अकेला लड़का है ऑफ द सिस्टर, सिस्टर है तो फीमेल है इसलिए सर्कल, ऑफ द सिस्टर ऑफ माय ब्रदर. तो माय ब्रदर कह लीजिए या पूर्णिमा ब्रदर बोल लो उसको, आप पूर्णिमा की बात कर रही है ना, तो पूर्णिमा ब्रदर, और ये सिस्टर है तो ये पूर्णिमा सिस्टर. अब ये सिस्टर जो है, अब देखो यहां पे सिस्टर है ना ये, तो अब क्या कह रहे हैं, ये जो लड़का है ये बेटा किसका है, सिस्टर, किसकी सिस्टर, पूर्णिमा के भाई की जो सिस्टर है. अब देखो पूर्णिमा के जो भाई की जो सिस्टर है, अब वो पूर्णिमा खुद भी हो सकती है, ये पूर्णिमा भी हो सकती है, और ये हो सकता है कि ये पूर्णिमा ना भी हो, क्योंकि हो सकता है ये कोई और सिस्टर हो और पूर्णिमा यहां पे कोई और हो, राइट. अब देखो पूर्णिमा की एक और चीज है, वैसे नाम से आपको लग रहा होगा पूर्णिमा फीमेल है, बट हम कह नहीं सकते कि पूर्णिमा मेल है कि फीमेल है, क्योंकि पूर्णिमा के बारे में बता नहीं रखा है ढंग से. तो हो सकता है कि पूर्णिमा मेल भी हो, तो और हमें यह भी नहीं पता कि पूर्णिमा की कितनी और सिस्टर्स हैं. तो अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू पूर्णिमा. अब देखो अगर ये सिस्टर खुद ही पूर्णिमा हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तब तो जो बॉय है तो बॉय उस केस में तो सन हो जाएगा, बट अगर और सिस्टर्स हैं पूर्णिमा की तो उस केस में हम कंफर्म नहीं कह सकते. तो बॉय और पूर्णिमा के जो बीच का रिलेशन है वो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या होगा. तो आंसर यहां पे होगा ऑप्शन ई, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि हमें पता नहीं ना पूर्णिमा का कितने भाई बहन और हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ऑप्शन ई. तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है, क्योंकि मैंने आप पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके इस टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, राइट. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन थ्री. अब क्वेश्चन थ्री देखते हैं, क्वेश्चन थ्री क्या कह रहा है, एल इज द मदर इन लॉ ऑफ के. तो एल जो है वो मदर इन लॉ किसकी है, के की. तो मान लीजिए कि मैं यहां पे बना देता हूं के, और एल जो है वो मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ तो फीमेल है तो इसलिए सर्कल, मदर इन लॉ किसकी, के की, राइट. अब मदर इन लॉ है तो ऑब्वियस ही बात होगी ना, जो के है वो बहू होगी, के कौन होगी, एल की बहू होगी, तो वो भी फीमेल ही होगी ना ऑब्वियसली. और यहां पे लिखा भी हुआ है के हु इज द मदर इन लॉ ऑफ आर, तो के खुद भी मदर इन लॉ है, तो ऑब्वियसली अब तो पक्का ही हो गया कि फीमेल है. तो एल उनके कोई हस्बैंड होंगे, इन दोनों का कोई बेटा होगा जिसकी वाइफ है के, राइट. इतना समझ में आ गया आपको. अब आगे देखो, जो के है इज द मदर इन लॉ ऑफ आर. अब जो के है ना वो आर की मदर इन लॉ है. अब आगे देखो, हाउ इज द हस्बैंड ऑफ आर रिलेटेड टू एक्स. अब आर का हस्बैंड मतलब आर फीमेल है ऑब्वियसली, तो आर का जो हस्बैंड होगा, ठीक है, अब वो इनका बेटा होगा ऑब्वियसली. तो हाउ इज के और इन दोनों का बेटा होगा ना, जैसे इन दोनों का बेटा था. तो इसमें लिखा है हाउ इज द हस्बैंड ऑफ आर, जो कि ये है, रिलेटेड टू एक्स. अब एक्स हमें पता नहीं कौन है,
एक्स कह रहे हैं एक्स है फादर ऑफ पी, ये हमें एडिशनल रिलेशन दे रखा है कि जो एक्स है वो है फादर ऑफ पी, चलो उसको भी हम साइड में रख देते हैं। इट इज ऑल्सो गिवन दैट के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, तो ये के है ये एक तो एल की डॉटर इन लॉ है और एक एक्स भी तो होगा जो एल के हस्बैंड होंगे, उनकी भी तो डॉटर इन लॉ होगी ना भाई, दोनों की डॉटर इन लॉ होगी ना, एल की भी होगी और एक्स की भी होगी। तो इसमें लिखा है इट इज ऑल्सो गिवन दैट के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, ठीक है एक्स हमने डाल दिया और हमें पता है यहां दे रखा था, यहां में क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक्स जो है इज द फादर ऑफ पी, एक्स इज द फादर ऑफ पी, तो ये पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा ऑब्वियसली। अब यहां पे ये पी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर यहां पे ऑब्वियसली ये पी यहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी है पी हैज नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब अगर पी के कोई भाई बहन ही नहीं है तो फिर यहां पे पी आएगा ना, नहीं तो अदरवाइज पी एक अगर यहां पे दूसरा भाई बहन भी होता तो यहां पे हम पी को लिख देते, बट यहां पे लिखा है साफ साफ कि पी के और कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए हम श्योर हैं कि ये जो बॉक्स है, इसलिए हम श्योर हैं कि ये जो बॉक्स है इसमें पी ही आएगा, राइट पी हमने डायग्राम बना दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, हमने कर दिया एंड पी हैज नो ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये डायग्राम हमारा बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हाउ इज द हस्बैंड ऑफ आर, जो हस्बैंड ऑफ आर है, हाउ इज द हस्बैंड ऑफ आर रिलेटेड टू एक्स, इसका एक्स के साथ क्या रिलेशन है, या फिर ये जो ऐसे बोले कि जो आर का हस्बैंड है वो एक्स का क्या लगता है, एक्स का क्या लगता है आप खुद ही बताइए। हाउ इज द हस्बैंड ऑफ आर रिलेटेड टू एक्स, तो जो हस्बैंड है ही इज द ग्रैंडसन को, क्या हुआ ये ग्रैंडसन हो गया ना एक्स का, आप खुद ही देखो जो आर का हस्बैंड है, जो आर का हस्बैंड है वो एक्स से कैसे रिलेटेड है, वो हस्बैंड जो है ही इज द ग्रैंडसन, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ एक्स, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ग्रैंडसन। तो आपसे यहां पूछा था हाउ इज द हस्बैंड रिलेटेड टू एक्स, अगर आपसे पूछा होता हाउ इज एक्स रिलेटेड टू द हस्बैंड तब आप बोलते ग्रैंडफादर, ये आपको ध्यान रखना है कि किसका रिलेशन किसके कंटेक्स्ट में पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि हस्बैंड कैसे रिलेटेड है एक्स से, इसलिए हमने बोल रहे हैं ग्रैंडसन, तो करेक्ट ऑप्शन यह होगा ऑप्शन ए ग्रैंडसन। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने डायग्राम बना लिया, बस यहां पे की पॉइंट जो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि ये बॉक्स में पी आ रहा है और वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है कि पी का कोई भाई बहन नहीं है, अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर उस केस में हम यहां पे पी जरूरी नहीं है कि पी आता, फिर पी के अलावा कोई और भाई बहन भी उसका दूसरा भाई भी यहां हो सकता था, राइट यहां पे साफ साफ लिखा है इसलिए हम इसको बना पा रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए ग्रैंडसन। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और उस ग्रुप पे हम रेगुलरली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन शेयर करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, लाइक आरबीआई ग्रेड बी, यूजीसी नेट, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड, तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको इन सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट मिले, और इसके अलावा आपको जो भी क्वेरी होती है, डाउट्स होते हैं, वो आप हमारी फैकल्टी से भी क्लियर कर सकते हैं, तो हमारी फैकल्टी रेगुलरली स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करती है। तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फोर, अब क्वेश्चन फोर देखते हैं, क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन फोर कह रहा है किरण इज किशोर अंकल, एक कोई किरण है वो किशोर का अंकल है, हूज पैटर्नल ग्रैंडफादर हैज ओनली टू चिल्ड्रन। अब देखो किरण नाम सुन के आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि फीमेल होगी, तो आपको इन क्वेश्चंस में कभी भी नाम के हिसाब से जज नहीं करना, कभी भी नाम के हिसाब से जज नहीं करना कि मेल है कि फीमेल है, आप जज तभी करेंगे जब आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि फादर है मदर है, तो सिर्फ नाम के हिसाब से आपको कभी भी जज नहीं करना, ठीक है। अब किरण इज किशोर अंकल हूज पैटर्नल ग्रैंडफादर हैज ओनली टू चिल्ड्रन, वन ऑफ हुम इज काव्या सिस्टर इन लॉ, हाउ इज किरण रिलेटेड टू काव्या। तो भी क्वेश्चन तो बहुत छोटा है बट एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अब आप मैं आपको दिखाता हूं ट्रिकी कैसे है, अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, किरण इज किशोर अंकल, तो कोई किशोर है, अब हमें इतना पता है कि कोई एक किशोर है, हमें नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, नाम से हम जज नहीं करते कभी भी। अब एक किरण जो है वो किशोर का अंकल है, तो मान लो ये किरण है, हमने किरण बनाया, ये किरण हो गए, ये इसके अंकल है,
ठीक है। अब अंकल है, हमें ये नहीं पता पैटर्नल साइड है कि मैटर्नल साइड है, क्योंकि देखो अंकल चाचा ताऊ भी हो सकते हैं और अंकल मामा भी हो सकते हैं, तो आप अभी ये नहीं कह सकते कि ये पैटर्नल है कि मैटर्नल है। आगे पढ़ते हैं, हूज पैटर्नल ग्रैंडफादर, हु मतलब यहां पे किशोर, तो किशोर के जो दादाजी हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, और अगर मैटर्नल ग्रैंडफादर हो तो मतलब नाना जी, राइट। तो दादाजी जो है किशोर के, उनके दो ही बच्चे हैं, तो उनमें से एक बच्चा जो है वो काव्या के सिस्टर इन लॉ है। तो अब इसको थोड़ा एक एक करके करते हैं। अब किशोर के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, तो मैं उनको पैटर्नल साइड बना देता हूं, या इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, ग्रैंडफादर लिख देता हूं, सिंपल किशोर ग्रैंडफादर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो किशोर ग्रैंडफादर, ठीक है, इसको आप बनाओगे बॉक्स में, क्यों ग्रैंडफादर है, मेल है, ठीक है। तो किशोर के ग्रैंडफादर हैं जिनके दो ही बच्चे हैं, और दो बच्चों में से एक बच्चा जो है वो सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब एक बच्चा फीमेल है, यह हमें क्लियर हो गया। तो एक बच्चा जो है उनका, एक बच्चा जो है वो तो फीमेल होगा, और एक तो मेल होगा ही होगा, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिर किशोर भी तो किसी का बच्चा है ना, तो वो मेल होगा, तो ये किशोर इनका, ये किशोर के फादर हो गए, इसको आप लिख दो के एफ, किशोर फादर, ठीक है। अब किशोर की कोई मदर होंगी, राइट, वो हम देखते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ना ये सिस्टर इन लॉ है। अब अगर ये सिस्टर इन लॉ है मतलब क्या हुआ, अब सिस्टर इन लॉ है तो मतलब इनकी जो वाइफ है, किशोर के फादर की जो वाइफ है, यानी कि किशोर मदर, के एम, किशोर की जो मदर है उनकी सिस्टर इन लॉ होगी ना, ये उन्हीं की तो सिस्टर इन लॉ होगी। अब खुद सोचो यहां पे और कौन सा रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो ये हो गई किशोर की बुआ, ये किशोर की बुआ होगी ना, सिस्टर इन लॉ, राइट। और ये किरण अंकल है, अब अगर किरण अंकल है इसका मतलब ये किशोर के ग्रैंडफादर का तो बेटा है नहीं किरण, क्योंकि किरण, क्योंकि ग्रैंडफादर के तो दो ही बच्चे थे, एक तो फादर हो गए उसके और एक बुआ हो गई, तो ये जो किरण जो अंकल है ये जो किशोर की मदर है उनका भाई है, तो किरण जो है ही इज द ब्रदर ऑफ किशोर्स मदर, किशोर्स मदर के ब्रदर हो गए ना, यानी कि ये किशोर के मामा हो गए, ही इज द मामा ऑफ किशोर, राइट। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें पूछा है, अब देखो यहां पे एक और चीज लिखी है, ये जो बुआ है ये कौन है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, काव्या, इसका मतलब क्या है, किशोर की मदर का नाम क्या है, किशोर की मदर का नाम, इससे हमें क्लियर हो गया किशोर की मदर का नाम है काव्या, ये हमें क्लियर हो गया किशोर की मदर का नाम है काव्या। अब क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि किरण कैसे रिलेटेड है काव्या से, हाउ इज किरण रिलेटेड टू काव्या, तो मैंने आपको भी बताया किरण इज ब्रदर ऑफ काव्या, राइट, क्योंकि काव्या मदर है ना किशोर की, तो किरण इज द ब्रदर ऑफ काव्या, ये काव्या है और काव्या का ब्रदर जो है वो है किरण, राइट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रदर, किरण इज द ब्रदर ऑफ काव्या। तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी नहीं था, बस ये मैटरनल साइड थी, यहां पे दो साइड थी एक तरीके से आप देखो, मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड, तो वो आपको यहां पे क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान रखना था। तो इसमें कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करें, क्वेश्चन में आपको कोशिश कर रहा हूं बहुत ही सिंपली वे में समझा रहा हूं, तो देखो ज्यादा सिंबल्स यूज नहीं कर रहे हैं हमने, हमने सर्कल यूज करा है, स्क्वायर रेक्टेंगल यूज करा है, और डबल एरो एंड सिंगल एरो, तो ये चार बेसिकली, तो ये चार ही सिंबल यूज कर रहे हैं, इनसे हमारे पूरे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन फाइव, अब इस क्वेश्चन को रीड करो जरा, क्वेश्चन फाइव क्या कह रहा है, क्वेश्चन फाइव इज सेइंग एक्स इज मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ जेड, एक्स की जो मदर है, अब सबसे पहले आप बनाओ एक्स, अब ये है एक्स, एक्स की जो मदर है, मदर है तो सर्कल में डालेंगे एक्स इज मदर, तो एक्स की जो मदर है इज द मदर इन लॉ ऑफ फादर ऑफ जेड, तो जेड के जो फादर है, अब मान लो ये जेड है उसके फादर है, जेड के फादर है, तो यहां लिख दो आप जेड्स फादर, तो जेड के जो फादर हैं उनकी मदर इन लॉ है एक्स की मदर, तो ये मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये दामाद हुए, जेड के जो फादर हुए, जेड के जो फादर हुए ये दामाद है, किसके दामाद है, एक्स की मदर के, राइट। तो अब आगे क्या है, जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई, तो जो जेड है ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ब्रदर ऑफ वाई, एक वाई भी है उसका ब्रदर है, ठीक है। वाइल एक्स इज द फादर ऑफ एम,
अब X का भी हमें जेंडर पता लग गया, X मेल है, X इज द फादर ऑफ M, कोई M है, X उसके फादर हो गए, ठीक है। तो अब अगर ये मेल है, इसका मतलब X की जो मदर है उनकी एक बेटी भी होगी, उनकी एक बेटी भी होगी जिससे Z की शादी, Z के फादर की शादी हुई होगी, राइट। तो इसको मैं ऐसे बोलूं कि जो Z की जो वाइफ होगी, Z की जो वाइफ, Z के फादर की जो वाइफ होगी, यानी कि Z की जो मदर होंगी, Z की जो मदर होंगी वो X की सिस्टर होगी ना। तो इसको आप थोड़ा सा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं कि थोड़ा सा मैं इसको बस चेंज कर रहा हूं ताकि, वैसे डायग्राम सेम ही बना रहा हूं, तो यहां मैंने बनाए थे ना Z के फादर बनाए थे, Z फादर, ठीक है, मैंने Z के फादर बनाए थे, यहां मैंने Z बनाया था, और Z किसका भाई है, Y का। तो Z की जो वाइफ हुई उनका जो भाई है, उनका भाई है X, राइट। तो ये Z की मदर है, ये Z के फादर है, ये Z की मदर है, ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें रिलेशन बताना है Z और X में, हाउ इज X रिलेटेड टू Z, X Z से कैसे रिलेटेड है। अब देखो, Z की जो मदर है उनके भाई हैं X, तो जो X हो गए, X इज अंकल ऑफ Z, और अंकल कौन से, किस साइड के, मैटरनल अंकल, भाई मम्मी के साइड के है ना, तो मैटरनल अंकल हुए, मैटरनल अंकल मतलब बेसिकली मामा की बात हो रही है। X कौन है, X मामा हो गए ना Z के, तो X इज मैटरनल अंकल ऑफ Z, X इज मैटरनल अंकल। अगर हमसे पूछते, अगर इस क्वेश्चन में हाउ इज Z रिलेटेड टू X, अगर ऐसे पूछते कि हाउ इज Z रिलेटेड टू X, तब आपका आंसर होता नेफ्यू। बट आपसे पूछा है हाउ इज X रिलेटेड टू Z, कि X जो है वो Z के क्या लगते हैं, तो वो Z के मैटरनल अंकल लगते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, मैटरनल अंकल। तो डायग्राम बना के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हो जाते हैं और मिस्टेक्स की स्कोप भी काफी कम हो जाती है। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, हमने और भी वीडियोस डाली हैं क्वांट एंड रीजनिंग की आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए, तो वो वीडियोस को भी जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम, चाहे फेज वन हो चाहे फेज टू हो, दोनों फेज वन और फेज टू, दोनों फेजेस में इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो के बारे में पहले से ही इंटीमेशन मिल जाए। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से चालू रखें, हम आपकी तैयारी में फुल आपकी हेल्प कर रहे हैं। रेगुलरली अगर आप हमारे चैनल से अपडेट रहेंगे और हमारा 5 वीक प्लान जो है उसको फॉलो करेंगे, तो ये एग्जाम क्लियर करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं पर स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, तो स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो ये एग्जाम आप बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, प्रिपेयर हार्ड फॉर योर एग्जाम, हैव अ नाइस डे।